स्क्रीन स्विच कैसे हो गई? बैक ले मैंने बैक कैमरा नहीं है इसको, हो गई ये क्या क्या है? बैक कैमरा नहीं है। हाँ वो तो तो शेयर ये कर लाइव दूंगा, भी था क्या? बस पूछो मत, जुगाड़ करके रखिए, ला के लाइट 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 बोल रहा हूँ, लाइट आएगी क्या? तो दबा दे रहा हूँ, दबा एक डब्बे से कोई दिक्कत नहीं है, कर दो क्या ऊपर देखो। बोल अरे विजिबल नहीं होगा ना, चालू कर दो आप, अभी और करो, नहीं विजिबल नहीं हो रहा है ना फिर। अच्छा उसमें लाइट नहीं, नहीं, अभी कहाँ आ रही है लाइट? अभी नहीं आ रही है ना ये। ये आ रही है यहाँ पे। हाँ एक आएगी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है मेरा आप लोगों को? ओके चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट टाइम पे वेन डायग्राम पढ़ा था बेटा, वेन डायग्राम के बारे में हमने देखा था। बेटा स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ विजिबल हो रहा है आप लोगों को? बस ये और बता दो बेटा, विजिबल हो रहा है? ओके ओके चलो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। नोट करके हम पढ़ रहे थे, ठीक है? ये दो सेट है मेरे पास ए एंड बी, एंड रेक्टेंगल फॉर्म में जो है हमारा वो है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं तो बेटा ये ब्लू कलर वाली जो मैं डैशेस दिखा रहा हूं, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? यस बेटा आपको राइट करना है। एक्चुअल में क्या है कि आज रिवीजन क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास ना आपके वीक के लास्ट 3 डेज में होगा, ठीक है? थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है? चलो ये जो बेटा ब्लू कलर से मैंने रेड ये डैश करके दिखाया है वो कौन सा रीजन होगा बेटा? बहुत सही बेटा, बहुत सही, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है? अब जो मैं रेड से दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको, ये कौन सा रीजन होगा बेटा? ये एंड मतलब कंप्लीटली रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये पूरा रेड वाला जो कलर है बेटा वो हमें बताता है कि ये हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है? अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे। यहाँ का बेटा किसी को डाउट था? लास्ट लेक्चर में बेटा हमने यहीं पे फिनिश किया था, 2 पॉइंट हमने नोट करके लिखे थे। ओके कोई डाउट नहीं है। चलो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन है, ठीक है? यू की वैल्यू हमें गिवेन है 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12 एंड 13, ठीक है? एंड कोई भी एक सेट ले लो, ए सेट हमें गिवेन है 1, 3, 7, 9, और बी सेट हमें गिवेन है, बी सेट हमें गिवेन है 2, 3, 9, 10, 12, ठीक है? अब जल्दी से बेटा इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है आप लोगों को। जल्दी से क्या करना है बेटा? वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। जल्दी से वेन डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, फिर मैं ड्रॉ करूंगा, मैच कराना है आप लोगों को।
बन गया बेटा, वेन डायग्राम बना सबका, जल्दी से यस और नो बोलो बेटा जल्दी से। हाँ ओके बेटा, गुड बेटा। ये सेट ए बी एंड ये यू हो जाएगा बेटा। अब सबसे पहला काम क्या बेटा, हमें शेयरिंग वाले एलिमेंट देखने हैं, कौन कौन से हमारा शेयर कर रहे हैं। तो यहां से मैं देखो बेटा, थ्री थ्री क्या कर रहा है बेटा, शेयर कर रहा है, ठीक है। तो थ्री कहाँ पे आएगा, शेयरिंग पोर्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नाइन की अगर मैं बात करूं तो बेटा नाइन भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे नाइन भी क्या आ जाएगा, शेयरिंग पोर्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन से ए सेट में एलिमेंट्स रह गए, तो वन एंड सेवन एलिमेंट रह गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन कॉमा सेवन। बी सेट की बात करें तो बेटा दो एलिमेंट ऑलरेडी हमने ले चुके हैं शेयरिंग पोर्शन में, कौन कौन से एलिमेंट रिमेनिंग है, टू टेन एंड ट्वेल्व, टू टेन एंड ट्वेल्व, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। क्या ये कंप्लीट है बेटा वेन डायग्राम, नहीं अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग है। कौन कौन से, क्योंकि यू सेट में तो सारे एलिमेंट आने चाहिए ना बेटा। तो यू में देखो वन ऑलरेडी कवर हो गया, टू ऑलरेडी कवर हो गया, थ्री हो गया, नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन रह गया बेटा। जो हमारा लास्ट एलिमेंट था ना थर्टीन, वो हमारा रह गया है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो थर्टीन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अभी ये क्या होगा, कंप्लीट वेन डायग्राम। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? ओके रब कर दूं। हाँ चलो, अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, जल्दी से आपको सॉल्व करना है। अब मैं वेन डायग्राम आपको दूंगा, ठीक है ना, बना के। अब आपको वहां पे ऑपरेशंस में पूछूंगा, वो बताना है आपको। अगर कुछ भी विजिबल नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ए बी एंड ये यू है, यहाँ पे टू फोर सिक्स एट टेन, ठीक है। और यहाँ पे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री, ठीक है। अब जल्दी से बेटा वैल्यू बताओ ए यूनियन बी की, उसके बाद हमें वैल्यू बतानी है ए इंटरसेक्शन बी की। जल्दी से बेटा ए यूनियन बी की वैल्यू टाइप करूं, ए यूनियन बी की वैल्यू जल्दी से बताइए। हाँ सिक्स कॉमा एट, रॉन्ग आंसर बेटा। यूनियन लेना बेटा, यूनियन का मतलब क्या, सारी वैल्यू जो हमारे सेट ए में है एंड सेट बी में है, वो सारी वैल्यू हमें लिखनी है। और 608 तो बेटा कॉमन पोर्शन में आ रहा है ना, शेयरिंग पोर्शन में। ए यूनियन बी इज टू फोर सिक्स टेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा। एक तरफ से सारे एलिमेंट्स लिख दो इस वाले पोर्शन में, जो मैं ब्लू लाइन से आपको दिखा रहा हूं, इस वाले पूरे पोर्शन में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो सारे एलिमेंट किसके होंगे बेटा, ए यूनियन बी के होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा एट कॉमा टेन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, ठीक है। चलो अगर ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन यानी शेयरिंग पोर्शन चाहिए हमें। शेयरिंग पोर्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में दो ही एलिमेंट मिलेंगे हमें, सिक्स कॉमा एट। क्लियर बेटा, कोई डाउट है इसमें? ओके रब कर दूं। बेटा जल्दी से नोट करो, मैंने रब कर दिया है। ओके नो डाउट, ठीक है। चलो बेटा, दो ऑपरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कौन कौन से। फर्स्ट वाला ऑपरेशन था हमारा यूनियन, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन था हमारा क्या, इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन है हमारा, थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहां पे सपोज कर लेता हूं मेरे पास दो एलिमेंट्स, दो सेट है कोई भी, लेट टू सेट ए एंड बी, ठीक है, दो सेट है मेरे पास ए एंड बी। तो मैं यहां पे डिफरेंस मैं दो तरह से ले सकता हूं, कैसे ले सकता हूं, ए माइनस बी कर सकता हूं मैं और बी माइनस ए, ठीक है। जब मैं ए माइनस बी करूंगा तो बेटा मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट ए नॉट इन बी, ठीक है, नॉट इन बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या है बेटा, कि मुझे वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में प्रेजेंट हो और b में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अगर b में प्रेजेंट है तो मैं वो सारे एलिमेंट क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। ऐसी यहां पे b माइनस ए के लिए मैं क्या लिखूंगा, b माइनस ए के लिए लिखूंगा ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए, ठीक है, सेट ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल से बताता हूं बेटा मैं आपको, इस फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेट ले लो आप, ए सेट में एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10, और बी सेट है मेरे पास कोई भी जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 13 एंड 18, ठीक है। अभी मुझे यहां पे क्या निकालना बेटा, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हैं एंड बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो यहां से मैं देख सकता हूं बेटा कि टू ऐसा एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट है और ए में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट रिमूव कर देंगे ए में से और रिमेनिंग सारे एलिमेंट यहाँ पे हम लिख देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। और अगर हम b माइनस ए करें बेटा, b माइनस ए करेंगे तो सेम काम हमें ऐसे उसमें करना है कि b के सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं बट a में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो a में एक ही एलिमेंट ऐसा है जो प्रेजेंट है, वो कौन सा है, 2 है, तो 2 को हम रिमूव कर देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे बेटा हमें, 13 एंड 18। क्लियर बेटा, कोई डाउट है इसमें? ओके, विजिबल हो रहा है ना बेटा अच्छे से? ओके, चलो रब कर दूं। तो बेटा जल्दी से लिखो, जिनका अभी नोट नहीं हुआ है जल्दी से नोट करो बेटा। चलो बेटा वेन डायग्राम में भी देखेंगे ए माइनस बी कौन सा है और बी माइनस ए कौन सा है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे ये बताओ बेटा, ए सेट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं?
ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एंड ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जल्दी से ये बताओ बेटा, ए सेट के एलिमेंट टाइप करो, सेट ए के एलिमेंट टाइप करो जल्दी से, कौन कौन से सेट ए में है। 1 2 9 3 11 7, ठीक है, 1 2 3 7 9 एंड 11। ठीक है, सेट ए का मतलब क्या है बेटा कि ए सर्किल के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे शेडिंग में आए विदाउट शेडिंग के आए, वो सारे एलिमेंट किसमें काउंट किए जाएंगे, सेट ए में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, बी सेट के एलिमेंट जल्दी से टाइप करूं, बी सेट के एलिमेंट 5 8 11 13 9, ठीक है चलेगा। बेटा अभी अदिति आपने मिस किए हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं आपने, शेयरिंग वाले तो लिखने हैं ना, शेयरिंग वाले नहीं लिखे हैं आपने। ठीक है, ऐसे देखो ना कि बी सर्किल के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे शेयरिंग में आए चाहे विदाउट शेयरिंग आए, वो सारे हमें क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा, 5 8 9 11 एंड 13। ठीक है, चलो ए यूनियन बी टाइप करो जल्दी से, ए यूनियन बी, बेटा यूनियन है इंटरसेक्शन नहीं है। सर्वरी बेटा आपने इंटरसेक्शन की वैल्यू लिखी है, शेयरिंग पोर्शन की वैल्यू लिखी है, यूनियन मींस यूनिटी बनानी है, यानी सारे एलिमेंट्स लेने हैं हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा यूनियन में, क्या आ जाएगा देखो, 1 2 3 5 7 8 9 11 एंड 13 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो कोई बेटा मुझे ये बता सकता है यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में बताओ जल्दी से कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो बेटा रेक्टेंगल में दिख रहा है ना, अरे बेटा 14 15 तो एक्स्ट्रा है जो ए और बी में लाई नहीं कर रहे हैं, बट यू में देखे तो यू में ए सर्किल भी है बी सर्किल भी है और एक्सेप्ट इनके भी कुछ और है हमारे पास, तो सारे एलिमेंट जो हमें रेक्टेंगल के अंदर दिए हैं ना, वो सारे यूनिवर्सल के एलिमेंट होते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 5 8 9 11 13 14 एंड 15, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे बेटा हमारे पास जो हमारे यूनिवर्सल सेट में होंगे। हाँ बेटा सारे एलिमेंट। ठीक है, चलो इंटरसेक्शन बताओ जल्दी से, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो शेयरिंग पोर्शन है बेटा। ठीक है, जो हमारे पास शेयरिंग पोर्शन है 9 एंड 11। चलो अब जल्दी से बताओ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी बताओ जल्दी से, ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हैं बट बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, बी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, चलो गुड बेटा गुड, 1 2 3 7, 1 2 3 7। तो बेटा जो ये एलिमेंट्स आए हैं, क्या मैं इसको सर्किल में डिनोट कर सकता हूँ बेटा वेन डायग्राम में, कौन सा रीजन होगा। तो मुझे पता चल रहा है बेटा ये वाला रीजन मुझे मिला एलिमेंट के अकॉर्डिंग, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले रीजन को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये जो रीजन निकल के आया वो निकल के आया मेरा ए माइनस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी निकल के आया है। ठीक है, चलो जल्दी से बी माइनस ए के एलिमेंट्स बताओ, बी माइनस ए के एलिमेंट्स बताओ। फाइव एट थर्टीन, गुड बेटा गुड, 5 8 एंड 13। चलो
जल्दी से मुझे ये बता सकते हो बेटा कि बी माइनस ए वेन डायग्राम में कौन सा रीजन होगा, कौन सा रीजन होगा बेटा? बी वाला होगा बट शेयरिंग वाला नहीं होगा, शेयरिंग वाला नहीं होगा, ठीक है? पूरा बोलना है आपको, बी तो होगा पर शेयरिंग वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है? तो ये वाला रीजन आ जाएगा जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं बेटा आप लोगों को डैशेस करके, दिख रहा है सबको? तो ये वाला रीजन कौन सा आ जाएगा बेटा, ये कौन सा रीजन आ जाएगा? बी माइनस ए, बी माइनस ए। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? ओके, रब कर दूं? ओके चलो बेटा, नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं। अभी जो हमने देखा था, नोट करके जल्दी से पॉइंट लिख लो। पॉइंट क्या बेटा कि वेन डायग्राम की हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम की, कि दो सेट है हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी। ये ए है एंड ये बी है। तो हमें पता चल गया था बेटा कि ये जो पोर्शन निकल के आया था जो मैं डैशेस से दिखा रहा हूं, ठीक है, तो वो कौन सा पोर्शन निकल के आया था? जल्दी से नोट कर लो, ये ए माइनस बी निकल के आया था, ठीक है? और बी माइनस ए कौन सा आया था बेटा? ये वाला आया था। बी माइनस, ठीक है? अगर आपको लिखना है तो इसको भी बोल सकते हो आप, जो बीच में एम्प्टी दिख रहा है आपको पूरा रीजन, वो रीजन होगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? चलो रब कर रहा हूं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेटा? जो हमने अभी हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाला था, उन दोनों का बस हमें क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ बेटा यहाँ पे लेट, इसका सिंबल होता है डेल्टा, ठीक है? इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है? ट्राइंगल मत बोलना यहाँ पे, इसको डेल्टा बोलेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया बेटा लेट ए एंड बी टू सेट, ठीक है? टू फाइनाइट सेट की बात करेंगे हम, ठीक है ना? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट के लिए लेके नहीं चले। तो दो सेट है हमारे पास, तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। तो इसकी वैल्यू होगी बेटा ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यूनियन बी माइनस ए। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में देखूं बेटा, इसको अगर मैं वेन डायग्राम में अगर देखूं तो बेटा, तो अभी हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए अभी फाइंड किया था हमने, ये ए बी एंड यू। तो ये वाला जो कॉमन पोर्शन आया था बेटा, सॉरी, कॉमन पोर्शन के अलावा जो पोर्शन हमें मिला था, इसको हमने बोला था क्या? ए माइनस बी। और इस वाले रीजन को हमने बोला था बी माइनस ए, बी माइनस। अगर मैं ये दोनों पोर्शन को अगर एक साथ बोल दूं बेटा, ये पूरा जो है यूनियन में, तो ये पूरा ही आ जाएगा बेटा। ये वाला रीजन भी हमें काउंट करना पड़ेगा एंड ये वाला भी। तो इन दोनों में अगर रीजन को अगर मैं बोलूं, तो ये दोनों रीजन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए डेल बी को, ए डेल्टा बी को, ठीक है? तो जल्दी से नोट कर लो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। चलो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास
ये सेट में है और 2 4 6, ठीक है। एंड बी सेट में है मेरे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है ए डेल बी, ए डेल बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा, सबसे पहले फाइंड करेंगे हम क्या, ये हमें फाइंड करना है। तो ए माइनस बी फाइंड करेंगे सबसे पहले हम, और देन बी माइनस ए फाइंड करेंगे, और फिर क्या कर देंगे बेटा, दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। क्या करेंगे हम, दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बेटा ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी में, सॉरी ये टू है, ए माइनस बी में क्या करेंगे बेटा, ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देंगे जो बी में लाई कर रहे हैं। तो बी में कौन कौन से लाई कर रहे हैं, 2 एंड 4, तो रिमेनिंग कौन सा मिलेगा मुझे, 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी मैं बी माइनस ए की बात करूं, बी माइनस ए की, तो बी में से मैं कौन कौन से एलिमेंट हटा दूंगा बेटा, 2 एंड 4, 2 एंड 4 को हटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 3 एंड 5, ठीक है। अब इतनी वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या निकालूंगा, ए डेल बी, ए डेल बी की वैल्यू मुझे पता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। इन दोनों का यूनियन जैसे ही मैं लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इन दोनों के, तो 1 3 5 एंड 6, क्लियर है बेटा। चलो तो एक पॉइंट मैं पूछ रहा हूं बेटा, वो आपको बताना है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ए डेल बी, ए डेल बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सिमेट्रिक डिफरेंस को, क्योंकि आप देखेंगे तो बेटा ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में क्या होगा कि यहां से पूरा पोर्शन, ये दोनों सर्किल का जितना भी पोर्शन है ना बेटा वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। और पूरे पोर्शन में से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर रहा हूँ, तो ये वाला मैं क्या कर दूंगा, ये वाला माइनस कर दूंगा, तो मुझे यही तो पोर्शन मिलेगा जो हमें डेसिस वाला है, ठीक है। तो नोट करके आप ये भी पॉइंट लिख लो कि ए डेल बी की वैल्यू मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, अगर मुझे ऐसे नहीं निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, बात तो एक ही है। अगर हमें यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो मैं सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ, क्लियर है बेटा सबको। रब कर दूं, ओके नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका पॉइंट नंबर 5, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। इसको बेटा रिप्रेजेंटेशन हम डैश से भी कर सकते हैं। मान लो कि सपोज कर लो कि मेरे पास कोई भी एक सेट है, लेट लेट ए सेट ए, ठीक है। ए सेट के लिए मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इसको, या तो मैं ऐसे बोलूंगा ए के ऊपर एक डैश लगा दूंगा, ठीक है, ए के ऊपर डैश लगा दूंगा, या फिर ए के ऊपर ऐसे बार लगा दूंगा, ठीक है, या फिर ए के ऊपर छोटा सी लगा दूंगा, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कोई भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम तीन तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश और डैश लगा सकते हैं, वाल लगा सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट यानी सी लिख सकते हैं, ठीक है। निकालते कैसे हैं कि अगर हमें ए डैश निकालना है, ठीक है, ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब क्या होता है कि कोई भी यू सेट यानी यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, यूनिवर्सल में से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है,
ए माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, ए माइनस करना है। मान लो कि बी सेट है हमारे पास, तो बी बार या बी डैश निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे हम बी। यूनिवर्सल में से हम क्या कर देंगे, बी माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो बेटा आप, कि कोई भी एग्जाम्पल हमें ऐसे गिवन है जिसमें सॉरी ए सेट की वैल्यू हमें गिवन है कोई भी वन, पहले यू की ले लो आप, यू यूनिवर्सल सेट ले लो, यूनिवर्सल गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 एंड 13। यहाँ पे ए सेट ले लो कोई भी 1, 5, 7, 9 और 13। कोई भी बी सेट ले लो बेटा, यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूं मैं, बी सेट ले लो, बी सेट है कोई भी 3, 7, 11, 13। ठीक है, तो अभी यहां पे अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालना है मीन्स कि हमें ए डैश फाइंड करना है। ठीक है, ए डैश फाइंड करना है तो मैं क्या बोलूंगा, यू माइनस ऑफ ए। अब मुझे क्या करना है, यू में से ए को माइनस करना है, यू में से ए को माइनस करना है मीन्स यू के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं मुझे जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 है का, यस, 5 है क्या, यस, 7 है क्या, यस, 9 है क्या, यस, 13 है क्या, यस। तो जो रिमेनिंग है ना बेटा वो सारे एलिमेंट हमें यहाँ पे लिख देने हैं, तो ए डैश की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3, 11 एंड 12। ठीक है, क्लियर है बेटा ये, अगर क्लियर है तो बी डैश की वैल्यू बताओ बेटा मुझे जल्दी से, बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ट्वेल्व सेवन फाइव वन, 12, 7, 5। बेटा 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो बी में प्रेजेंट है ना, तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। 3, 11, 12, तो 3 भी तो प्रेजेंट है बेटा। ये क्या लिखना है आपको, बी डैश का मतलब क्या है, यू में से माइनस करना है बी, यू में से माइनस करना है बी। बेटा ओनली 11 नहीं आएगा, रॉन्ग आंसर, 1, 5, 9, 12। यस बेटा 1, 5, 9, 12। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 5, 9 एंड 12। बताओ कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो बेटा इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, नो डाउट, ओके, रब कर दूं बेटा, नोटेड। चलो बेटा वेन डायग्राम की अगर हम बात कर लें कि वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो इसके लिए वेन डायग्राम देखते हैं। कोई भी सपोज कर लेते हैं, एक ही सेट है मेरे पास, ठीक है, मैं एक ही सेट के लिए लेके चल रहा हूं, और जो सेट है मेरे पास ए, और ये कोई भी यूनिवर्सल यू। ठीक है, अगर मैं यहां पे सेट ए के लिए बात करूं तो बेटा कौन सा रीजन मिलेगा मुझे, ये वाला मिलेगा सेट ए, ओके, ए सेट के सारे एलिमेंट्स तो यही होंगे। ठीक है, अभी इसी को मैं फिर से बना रहा हूं, चलो तो अभी मैं यहां पे ऐसे बोलो बेटा कि मुझे तो ए डैश चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ए डैश चाहिए, तो ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब क्या है, यू में से मुझे ए माइनस करना है, तो यू में से ए माइनस करना है। तो अगर मैं बात करूं बेटा रीजन की, ठीक है, तो यू वाला कौन सा रीजन होगा, पूरा होगा ना बेटा, जो रेक्टेंगल है वो पूरा रीजन होगा यू का, ये जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा रीजन कौन सा होगा बेटा, यू का होगा।
अब मुझे क्या करना है, यू में से ए को माइनस करना है, मतलब इतना पोर्शन जो हमारा डैशेस वाला पोर्शन है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा होगा बेटा, ए डैश का होगा। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रिमेनिंग पोर्शन को, ये आपको डैशेस वाला रीजन दिख रहा है बेटा, वही डैशेस वाला रीजन जो हमें दिख रहा है यही हमारा कौन सा रीजन है बेटा, ए डैश का रीजन है। ठीक है, अब ये मुझे कोई बताओ कि बेटा ए डैश में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो मतलब ए का आ रहा हो इसमें, नहीं आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ए का जो हमारे पास जो ये रीजन था बेटा वो हमने क्या कर दिया, पूरा माइनस कर दिया यू में से, और जो रिमेनिंग पोर्शन दिख रहा है आपको डैशेस में सिर्फ वही रीजन की अगर हम बात करें तो वो हमें कौन सा मिलेगा, ए डैश मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट बेटा इसमें, कोई डाउट हो तो पूछते चलना साथ के साथ में, ठीक है ना। ओके, ये देखा था बेटा हमने सिंगल सेट के लिए, ठीक है ना। अभी हम दो सेट लेके देखेंगे ए एंड बी, तो उसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलो अभी हम दो सेट ले लेते हैं, कोई भी दो सेट लेते हैं हम, ये सेट ए, ये सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो अभी मैं जो एक वेन डायग्राम बना रहा हूं आपको ये बताना है कि ये किसका है, ठीक है ना, और साथ साथ में बेटा ड्राइंग भी करते रहना, बनाते भी चलना, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। जल्दी से बताओ बेटा जो डैशेस वाला रीजन आया है वो कौन सा रीजन है, जल्दी से टाइप करो डैशेस वाला। नो बेटा रॉन्ग आंसर, राधिका रॉन्ग आंसर बेटा आपका, ध्यान से देखो बेटा क्या नहीं मिल रहा है, यस बी डैश, क्योंकि देखो ना कौन सा ब्लैंक है, कौन सा रीजन, कौन सा सर्किल हमें टोटली ब्लैंक है, कौन सा है वो बी है बेटा, तो बी हमें नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है, बाकी सारा मिल रहा है और बी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन पोर्शन है ना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, मींस यू में से हमने माइनस किया है किसको, बी को, यू में से हमने बी बी को माइनस किया है तो हमें कौन सा मिलेगा, बी डैश मिलेगा। ठीक है, एक और वेन डायग्राम बना रहा हूं बेटा इसी के लिए, चलो डैशेस वाला रीजन बताओ बेटा, डैशेस वाला रीजन बताओ जल्दी से, ए डैश, क्यों बेटा, क्योंकि यू का जो हमारा रेक्टेंगल का पोर्शन है उसमें से हमने ए को गायब कर दिया ना, ए को ब्लैंक रख दिया, मीन्स जो बाहर वाला पोर्शन है मतलब ए सेट को छोड़ के जो सारा रीजन है वो रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, ठीक है। तो ये पूरा डैशेस वाला जो रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, मीन्स हमने क्या किया है यू में से ए को माइनस किया है, यू में से ए को माइनस किया है। अब जल्दी से बताओ, कोई भी किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी से बता दो मुझे।
ओके रब कर दूं बेटा। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, और अभी तक हमने जितना पढ़ा है सारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसके लिए। क्वेश्चन है हमारा, कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सेट होल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड एक्स इज ए रियल नंबर, सॉरी एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है, एक्स की वैल्यू भी डिफाइन कर लो। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और 20 तक जाएगा, ठीक है, 20 तक जाएगा। इक्वल का साइन लगा देता हूं, इक्वल का साइन का मतलब क्या है बेटा, इक्वल का साइन का मतलब है कि 20 भी हम काउंट करेंगे, ठीक है, 20 भी हम काउंट करेंगे, और ए सेट है हमारे पास 2, 6, 12, 14, ठीक है, और बी सेट है हमारे पास 4, 6, 8, 10, 12 और 16। तो बेटा जल्दी से आपको टाइप करना है, जल्दी से टाइप करना है, यू की वैल्यू बताओ बेटा, ठीक है ना, लिस्टिंग फॉर्म में बताओ यू का क्या क्या वैल्यूज आएंगी, यू की वैल्यूज बताओ बेटा जल्दी से टाइप करो बेटा। जो हमने सेट होल्डर फॉर्म में लिखा है उसको कन्वर्ट करना आपको लिस्टिंग फॉर्म में, ओके एक आंसर आ गया बेटा 2, 4, 6, यस बेटा, यस बेटा, गुड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना बेटा कि एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और दूसरा बोला है उसने इवन नंबर है, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 20 तक, ठीक है, 20 भी काउंट होगा क्योंकि वहां पे इक्वल का साइन लगा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक है। अब जल्दी से फाइंड करो बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करो, जल्दी से टाइप करो ए यूनियन बी। यूनियन में कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी बेटा, दोनों कंबाइन करके लिखना है हमें, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ठीक है। अभी आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, रिमेनिंग कुछ और भी दे दूंगा मैं आपको, वैल्यूज निकालनी है जल्दी से लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और ए सिमेट्रिक बी, ठीक है, और ए डैश बी डैश, ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर अभी तो लेक्चर खत्म ही हो रहा है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बेटा फिर से। कैसा रहा सर? पेंटे अपने, मुझे तो ये ज्यादा बढ़िया लगता है, पता है आपको, इसमें क्या है कि आंखें खराब नहीं होती है, दबा के लिखते जाओ, दबा के। मैंने इसका कैमरा ऑन नहीं किया था, लैपी का जानू से।